अरे फर्स्ट डे हम तुम थुनेरी शिव थ्रे समो नो नो आड़ी दवा देरे शेर सदीक शादी कैप्टन फ्रास्त्रम सो लेदर ऑफ डिसिप्लिन कमेटी शाहिद एंड सेफ लेदर फकीर हयात शाहिद बाबर अंडर 19 कोच शकील देरे शेर अंडर 23 उमदुम की टूर्नामेंट का भी पहला मैच आज खेला जाएगा जो कि स्त्रोमसो के दरमियान होगा और शी टाइगर के दरमियान होगा टास्क का टाइम हुआ दिस नॉट टफ फ्रॉम सम गो नो खालिद साहब लेदर आप ऑफिसर क्रिकेट क्लब आप देख रहे होंगे
राजीव भाई के 25-25 ओवरों का मैच है, 7 ओवर जो है ना दायरे के हैं और 5 ओवर की लिमिट है, 5 ओवर की। पर थैंक यू सर, किसान जनाब दो किसान एक पास पीपी ने मैं वकास टाइगर जीते हैं, वकास देर वॉन्ट टॉस इज ऑन वर्मिया स्कोर शू एफ एम ओवर खम वर्मिया स्कोर जिसको लागे था व्हाट डू थिंक कर Jeg tenker at vi burde i hvert fall lage over 200, ettersom at spillerne er i ganske god form, og jeg føler at jeg har samlet inn ganske gode spillere her i Norge. Så ja, jeg håper på å lage minst 200. 200, ja. Det var første turnering. Det er ungdom som går 2013. Hva vil du si om det? Jeg synes at dette er en veldig bra oppsett de har laget for ungdommer. Jeg synes at en juniorlig, slik som denne, kan være med å utvikle mange gode spillere. Og jeg synes at selve NCF skal ha en kjempestor stolthet i dette. Utviklingskomiteen som hadde laget det planlagt, ja. Ja vel. Jeg synes at utviklingskomiteen som har vært med på å lage dette her og lagt med på å bygge opp dette oppsettet, jeg synes er ekstremt, ekstremt bra. For det er mange ungdommer som har mange skjulte talenter, og nå kan de endelig vise seg fram, så det er jo kjempebra. Og jeg håper inderlig at dette her fortsetter de neste årene også, for dette er noe vi i Norge har hatt behov for veldig lenge. Så jeg personlig har jo ventet på en slik anledning, at vi ungdommer kan få lov til å spille sammen og spille som et lag, og ha et eget liga er jo ekstremt bra. Så jeg er veldig takknemlig overfor Shaquille Bay, Shahid Bay, for all den støtten de har gitt, og alle de andre utviklingskomiteen. Det er kjempebra arbeid. Ok, takk skal du ha, Vakas, and good luck. Takk skal du ha. Captain Tromsø Cricket Club Team. उन्होंने कहा है कि हम 200 रन बनाएंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितने भी आउट करना चाहेंगे आप उन्हें? जितना भी जल्दी हो सका उतना कोशिश करेंगे, कम से कम 150-160 कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आउट करने, उनको आउट करने की। तो क्या ख्याल है, 150 रन की प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लिए? नहीं, इतना इंशाल्लाह हम चेज करने के लिए। आपके पास इतनी सलाहियत है कि आप आउट कर सकते हैं 150 के अंदर आप बना सकते हैं रन? हाँ, हम लोग कितने हैं ये तो फिर अभी जब बैटिंग शुरू करेंगे तो फिर पता चलेगा, फिर पता लगेगा, लेकिन कोशिश है कि उनको 160-170 पे जो ना आउट कर सकें जी इंशाल्लाह। उंगम लीग पहली बार हिस्ट्री हो रही है 2013 में, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबका शुक्र अदा करते हैं कि ये जो इन्होंने सोचा है और हमारे लिए बहुत अच्छा है कि पहले तो एक दो मैच मिलते थे, अभी तो इंशाल्लाह इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा जो है ना क्रिकेट मज़ा एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। चले, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया और गुड लक आज के मैच के लिए आपका। थैंक यू। यू सर स्ट्रम्सो और शी टाइगर्स का मैच हो रहा है, पहला मैच है आज। तबाइंदाद में खेल दिया, वकास खेल रहे थे जो कप्तानी कर रहे हैं, ठीक ही। हसन है उनके साथ, ग्रेट ऑलराउंडर जिनका ताल्लुक कुलसुस क्रिकेट क्लब से है। एक बॉल काफी ऊंचा पड़कर आया है, काफी बॉम्ब्स इस विकेट में, चार गेंदे लगातार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनबिलीवेबल, जिस पे यकीन करना इतना आसान नहीं होगा, बैट्समैन को देखकर खेलना होगा।
गेंद कहीं कीपर को लग गया, थोड़ी तकलीफ में नजर आ रहे हैं कीपर। नदीम कोचिंग भी करते हैं और आज एम्पायरिंग के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं, सिमसन क्लब के कप्तान भी हैं और ग्रेट ऑलराउंडर, गेंद भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। शी क्रिकेट क्लब आराम से खेलते हुए, विकेट इतना आसान नहीं है, गेंद एकदम ऊपर आ जाता है और तीन रन बनेंगे और तीन रन। अच्छा बॉल था, दफाई अंदाज में खेला है, रन लेना चाहते थे लेकिन बाद में इरादा कैंसिल कर दिया। आसान कट खेलना चाहते थे लेकिन बाल बाल बच गए। बाबर हमारे साथ कोच मौजूद हैं अस्तरोमसो क्रिकेट क्लब के। बाबर भाई कैसा देखते हो आज का मैच? उनके कैप्टन का कहना था शी के कि वो तकरीबन हम 200 रन बनाएंगे, तो क्या ख्याल है ये टीम रोक पाएगी उनको 200 के हदफ से? 200 तो इंशाल्लाह नहीं होगा क्योंकि मुझे काफ़ी इतमाद है, जैसे कि ये इब्रार आप देख रहे हैं बॉलिंग है, उधर से रफीउल्लाह है काफ़ी अच्छी गेंद करता है और दो मेरे पास अच्छे स्पिनर हैं आज, ठीक, जो कि इनको काफ़ी ट्रबल में डाल सकते हैं। तो 200 इतना आसान नहीं होगा? इतना आसान नहीं है, हाँ, खास करके इस ट्रैक पर। तो अगर विकेट हम देखने काफ़ी मुश्किल है, वो हमें भी ऐसा लग रहा है कि 200 होने नहीं चाहिए। जी जी। और ये पहला मैच इस विकेट पर ये खेल रहे हैं उमदम, तो हमें यह बताइए अगर 150 मैच भी 150 रन भी हो पाता है तो वो कैसे देखते हो आप? 300 देखिए जी, मेरे पास 3 से 4 ऐसे बैट्समैन हैं जिनमें तो एक लड़का वैसा है, जैसे कि वो पाकिस्तान अंडर 16 नेशनल टीम खेला हुआ है, वो बड़ा अच्छा सॉलिड बैट्समैन है। अगर ये लोग अगर परफॉर्म अच्छा डिलीवर करने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनने लास्ट मैच खेला है 180 चेज किया है। 180 चेज किया मैंने, हाँ जी जी जी, अगेंस्ट बड़ी अच्छी साइड थी द्रमन यूनाइटेड के खिलाफ। तो बाबर भाई एक चीज़ आप देख रहे होंगे, शी के अंदर 4-5-6 लड़के आते हैं जो नेशनल भी खेले हुए और अंडर 19 भी खेले हुए हैं। यस यस, बहुत बड़ा एग्जाम होगा आज, हाँ, तो क्रिकेट खेले के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी होगी। जी 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 जी, इसमें कोई शक नहीं जी कि वो जो शी 11 है वो तो बहुत ही टफ साइड है, मेरा ख्याल से टूर्नामेंट वन ऑफ द बेस्ट साइड मुझे नज़र आ रही है, लेकिन जब ग्राउंड में होता है तो वो डे होता है, अगर सही है किसी टीम का डे अच्छा है तो वो लाजमी परफॉर्म अगर अच्छा कर गई तो वो जीत जाएगी। उनके कप्तान से आज बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि आज 4-5 वो संतोष जो कि T20 का हिस्सा भी है वो आज बिजी हैं, या और एक दो बॉलर जो जिनका ताल्लुक श्रीलंका से वो बिजी हैं, तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव आज आपके लिए कि वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो मैच मुझे लगता है कि 50-50 होना चाहिए इंशाल्लाह। बाबर जो कि कोचिंग भी करते हैं अस्तरोमसो क्रिकेट क्लब पे, अपने ख्यालात का आधार कर रहे थे और उनका कहना था कि हमारे पास स्पिनर भी हैं एक गुड कीपर भी हैं, तो शी को काफ़ी हम टफ देंगे, इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। तो मैच कंटिन्यू है अभी तक, चले अपिश खेला है काफ़ी लेकिन बदल गए, गैप में बॉल गिरा था और यकीनी 2 रन होंगे, काफ़ी ऊंचा बॉल था और वकास चाहते थे कि गेंद को हवा में टपा दें और कामयाब भी हुए हैं और 2 रन का इजाफा।
इतना आसान विकेट नहीं है, फिर खेलना चाह रहे थे, गेंद ने फिर बाउंस लिया और बाल बाल बच गए, गेंद दायरे से काफ़ी बाहर गिरा और दो रन का और इजाफा। इतना आसान नहीं है, पहले विकेट को स्ट्रगल करना होगा, विकेट काफ़ी बम्सी विकेट है, गेंद पड़ के बिल्कुल ऊपर की तरफ आता है, तो इस चीज़ को देखना होगा बैट्समैन को। ऐसे हम बार बार कह रहे थे और काफ़ी बच्चे आए हुए हैं आज यहाँ पर, आज 12 बजे इफ्तिताह है इस ग्राउंड का। काफ़ी चांस था, एज लगा था और कीपर ने एक बहुत अच्छी ट्राई की है और एक चांस मिला है पहला वकास को, काफ़ी बाहर बॉल था, खेलना चाह रहे थे और बाहरी किनारा लगा और एक अच्छी ट्राई कीपर की। काफी बाहर बॉल था और खेला जा रहे थे लेकिन
ओवर थ्रो है और एक रन बनना चाहिए और एक रन का दफा। चार रन, विकेट एकदम गेंद ऊपर को आया था और गैप में बॉल गया और चार रन असामा के। स्कोर चाहिए 20-20 का, ओवर है, चाहे कैसे भी मिले अपनी पोजीशन को मजबूत करना होगा। 120 के करीब स्कोर हो चुका है और इसके बाद 5 ओवर पड़े हुए हैं। ओवर में 146 ओवर हो गया है शी टाइगर्स का और दो ओवर है अभी। 20 ओवर को मैच कर दिया गया है टाइम की वजह से और एक ही लड़का आउट हुआ है। हसन मौजूद है, साथ उसका साथ दे रहे हैं उसामा। नदीम आज एम्पायरिंग के प्राइज दे रहे हैं, ग्रेट ऑल ऑर्डर है, सिंसन की तरफ से खेलते हैं, कैप्टन भी हैं और कोच भी हैं और आज उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ एम्पायरिंग के प्राइज अंजाम दे रहे हैं। नदीम इस मैच को 20 ओवर का कर दिया गया है। कैप्टन का कहना था शीख के हम इंशाल्लाह 200 बनाएंगे लेकिन 151 हो गया और आखिरी ओवर है तो काफ़ी अच्छा स्कोर है 20-20 ओवर के हिसाब से, तो विकेट इतना आसान नहीं है। यहाँ पर आखिरी ओवर होगा, भांजा खेल रहे हैं, उसामा गेंद को धकेल दिया, यकीनी दो रन होना चाहिए, कॉल कर दिया गया और ये दो रन। काफ़ी बाहर बॉल था, खेलना चाह रहे थे और एम्पायर का कोई इशारा नहीं और एक अच्छा बॉल बॉलर का। चार बॉल बाकी हैं पहली इनिंग्स को ख़त्म होने में। गेंद को धकेल दिया, यकीनी ये चार रन होना चाहिए और वो तीन रन का दफा होगा। बहुत अच्छी फील्डिंग की गई है और एक अच्छा चार बचाया गया है फील्डर की तरफ से, तो तीन रन। दो रन कॉल किया गया, तेजी करनी होगी और ये दो रन। तकरीबन 160 के करीब स्कोर हुआ है और इसके साथ ही पहली इनिंग्स खत्म हो गई है। एम्पायर ने बिल्स को नीचे फेंक दिया है। एक और अच्छा बॉल मुसफर का, बैट्समैन लगातार ऑन की तरफ खेलना चाहते हैं। अच्छी लाइन और लेंथ मुसफर की, तीनों गेंदें बीट कर दी हैं और
हाइट काफ़ी बॉल आता है, बैट्समैन को देखना होगा वरना हवा में गेंद जा सकता है और आउट होने का खतरा है। एक अच्छा ओवर मुसफर का, मनोवर मसवर करेंगे और सामना करेंगे बैट्समैन और एक अच्छा बॉल और मतपातर ऑन साइड पे लेग साइड पे खेलना चाहते हैं बैट्समैन, कोई कामयाबी नहीं। खेल दिया यकीनी दो रन होने चाहिए। आउट होने का खतरा है और ये दोनों टकरा गए हैं। कीपर तेजी से नीचे आए थे इस बात में, कीपर बता रहे हैं कि पैड फट के हाथ में आ गया वह। चार रन होना चाहिए और ये पहला चार रन, पहली बाउंड्री है स्ट्रॉन्ग सॉकर क्लब की तरफ से। और दो ओवर में 6 रन हुए थे और अभी रिजल्ट पूछते हैं उनसे। और ये क्लीन बॉल कर दिया, ये अपना वो पुलसुस क्रिकेट क्लब की तरफ से जो उनकी बी है वहाँ से खेलते हैं। और ये कैच ड्रॉप, एक अच्छी ट्राई थी कीपर की और कैच ड्रॉप हो गया। एक चांस मिला था शी टाइगर्स को एक और विकेट लेने का और एक अच्छी गेंद का मजा रहा अनिस की तरफ से। एक अच्छा ओवर, बॉल होने का खतरा था, बैट्समैन बिल्कुल समझ नहीं पाए और बाल बाल बच गए। और ये कैच ड्रॉप कर दिया, इजी कैच था अनिस से स्लिप में और कैच ड्रॉप। चार ओवर हुए हैं और 21 रन है स्ट्रोम्सो के और वकास आएंगे गेंद करेंगे और कट खेल दिया। 2 रन होने चाहिए, एक रन ही बनेगा। गुगली था गेंद पढ़कर अंदर आया और एक रन बनेगा। एक और गुगली, बैट्समैन को बिल्कुल समझ नहीं आई और
बोल्ड होते होते बचे और गेंद ऊपर से गुजर गया। एक अच्छा ओवर कप्तान का और एक ही रन बन पाया है, दो रन। एक अच्छा बॉल और आउट होते होते बच गए। चार रन, एक अच्छा शॉट। जीशान बॉलर थे, ऐसे लगा कि अनिस हैं, जीशान थे बॉलर। गेंद करेंगे जीशान, एक अच्छा बॉल था। आउट होने का खतरा है, एक अच्छा बॉल, चौथी बॉल और कोई स्कोर नहीं। आउट, एक अच्छा बॉल, किसी रन का कोई सफा नहीं। और आउट, आसिम को एक और कामयाबी, एक ओवर में दो आउट कर चुके हैं आसिम। फ्लाइट गेंद करते हैं, हवा में गेंद रहता है और एक और कामयाबी। सात लड़के आउट हो चुके हैं अब तक स्ट्रोमसो क्रिकेट क्लब के। फॉर्मा गेंद करेंगे, एक रन होना चाहिए। आउट,
आउट होने का खतरा और चार रन।